Hello students, this is question from chapter light reflection and refraction. Find the position of object when placed in front of a concave mirror of focal length 20 cm. Concave दिया है इसलिए focal length negative होगी, ठीक है, और दिया है produces a virtual image. Virtual image अगर दिया है means magnification plus में होगा, mirrors में या lenses में, दोनों में ही. अगर आपको दिया है virtual means plus में होगा, ये कितना ये twice. मैग्निफिकेशन या दिया है कि इमेज विच इज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज उसकी डबल है, ठीक है. अगर ऑब्जेक्ट ये है तो इमेज उसकी डबल है, मीन्स मैग्निफिकेशन टू है, ठीक है. मैग्निफिकेशन क्या होता है, यही तो होता है रेशियो ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट टू द साइज ऑफ इमेज, सॉरी इमेज साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज मैग्निफिकेशन. तो मैग्निफिकेशन दिया है डबल और वर्चुअल है इसलिए प्लस टू, ठीक है. अब हम वैल्यूज डालते हैं. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस वी अपॉन यू, दैट इज टू. सो माइनस वी इक्वल टू टू यू, या यू कैन राइट वी इक्वल टू माइनस टू यू. अब आप मिरर फॉर्मूला में लगा दीजिए इसको, वन बाय वी प्लस वन बाय यू इक्वल टू वन बाय एफ. वी इज माइनस टू यू एंड एफ इज माइनस ट्वेंटी. नेगेटिव साइन को हम सबसे पहले ऊपर डाल देते हैं ताकि हम एलसीएम ले पाए, ठीक है. अब हम टू यू एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा माइनस वन और इधर होगा प्लस टू, दैट इज माइनस वन बाय ट्वेंटी. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 10s are 20, तो u माइनस u आ गया 10 सेंटीमीटर. सो u इज माइनस 10 सेंटीमीटर. तो पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गई, 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर.